समस्या है। नमस्ते दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं सिंपल सा मशरूम बिरयानी। वन पार्ट मील है ये बहुत टेस्टी रहता है। और इसके साथ रायता, ऑनियन रायता और आम। चलिए अब बनाते हैं। अभी मैंने एक कुकर रखकर उसमें 5 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है और थोड़ा कैश्यू नट लिया है, वो थोड़ा ये फ्राई करके निकाल लेती हूँ डेकोरेशन के लिए। अभी निकाल लिया है, देखिए अभी इसी तेल में ये बिरयानी लीव्स है ना, वो मेरा छोटा छोटा है इसलिए 4 डाल रही हूँ। एक आधा स्पून सौंफ, ये पत्थर का फूल, एक छोटा स्टॉक दालचीनी, थोड़ा 3 लवंग, 2 ऐलक्की, ये सब डाल लेती हूँ। होने पर ये ऑनियन, मैंने बड़ा ऑनियन दोन करके रखा था, वो डाल रही हूँ। ये ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन होना है। अभी ये होने तक हम मिक्सी में डालने वाले सामान मिक्सी में डाल देती हूँ। अभी इधर एक इतना सा पीस, ये मिनिमम 2 टेबलस्पून कोकोनट रहेगा, वो मिक्स में डाल लेती हूँ। ये 1/4 स्पून सोप, ये पेस्ट जैसा बना लेती हूँ पहले। ये ग्राइंड कर लिया है, ये प्लेट में ही निकाल लेती हूँ। अभी इसी मिक्सी में 1 स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 मुट्ठी जितना पुदीना, 1/2 मुट्ठी जितना हरी धनिया और 14 ग्रीन चिलीज। मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ ग्रीन चिलीज ही डाल रही हूँ। पानी मत डालिए, ऐसे तरह तरह पीस लीजिए। अभी देखिए ये प्याज लाल हो गया। अभी इस टाइम में ये पुदीना थोड़ा रखी थी ना, 1/2 मुट्ठी जितना वो डाल लेती हूँ। और ये हरी धनिया यहाँ भी, इस टाइम में वो पेस्ट किया चिल्ली भी अदरक लहसुन सब पेस्ट किया ना, वो डाल अच्छे से ऑयल में फ्राई कीजिए। 1 मिनट हो गया, ये फ्राई हो गया। अभी इस टाइम में ये एक बड़ा टमाटो कट करके रखी थी वो डाल दो और थोड़ा हल्दी 1/4 स्पून जितना, कलर के लिए एक थोड़ा 1/4 स्पून जितना रेड चिली और धनिया पाउडर, ये 1/2 स्पून है इसमें 2 गदा 1 स्पून हो गए। अभी इसे अच्छे से 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। अभी टमाटो भी सॉफ्ट हो गया है, देखिए। अभी इधर ये ऑयस्टर मशरूम केक में मिलता है ना, वो लिया है। आप सादा बटन मशरूम भी ले सकते हैं, मुझे ये मिला था सुपरमार्केट में, इसलिए एक पैकेट में नहीं ये मशरूम लिया है। इसे अच्छे से 2 लिया है। अभी 2 का इसमें डाल, ये पानी छूटता है मशरूम, वो पानी छूटकर ड्राई होने तक इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। अभी ये फ्राई हो गया 2 मिनट तक। अभी इधर मैं बासमती राइस 2 ग्लास लेकर धोकर 1/2 घंटा भिगा कर रखी थी वो डाल रही हूँ। अभी इधर टेस्ट के अनुसार सॉल्ट, ये कोकोनट ग्राइंड करके रखी थी ना वो भी डाल दी। मैंने बासमती राइस 2 ग्लास लिया था इसलिए 3 ग्लास पानी मैंने मेजर करके रखी थी, वो भी डाल दी। जितना दही डाल रही है, 1/2 नींबू इसके ऊपर निचोड़ रही है। एक फाइनल मिक्स देकर अभी टेस्ट देख लेती हूँ इस टाइम में। अभी ये
इसको करता लेट क्लोज करता है, ये एक विजल छोड़ती हूँ। अभी इधर कुकर होने तक रायता बना लेती हूँ। रायता के लिए मैंने ये ऑनियन ऐसे छोटा छोटा पीस कर लिया है, इसे अच्छे से हाथ से ये तोड़कर डालिए इसे। और कलर के लिए थोड़ा कैरेट और टमाटो, एक पाव टमाटो और दो ग्रीन चिली, मेरा छोटा था दो स्लिप के लिए है। अभी हरी धनिया अभी डालकर, ये थिक दही आता है ना वो लिया है, थिक दही डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स कर देती हूँ। कुकर ठंडा हो गया, ओपन करती हूँ। वाओ इतना अच्छा दिख रहा है, इसमें थोड़ा ऊपर से घी डाल देती हूँ। अभी इसको कॉर्नर से थोड़ा लाइटली ये कीजिए। अभी देखिए मैंने निकाल लिया है, गार्निश के लिए थोड़ा हरी धनिया ऐसे डेकोरेशन के लिए डाली। अभी ये फ्राई किया हुआ कैश्यू नट भी इसके ऊपर डाल लेते हैं। ये बीच में मिले तो बहुत टेस्टी लगता है।